वेलकम टू हेचडी गर्जना डिस्ट्रीब्यूटर, दिस इज निखिल। गाइस आज आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक ट्रू व्यू का वाईफाई कैमरा, जो कि डोम शेप में हमें मिलता है, डोम शेप में दिया हुआ है और ये 3 मेगापिक्सल है और वाईफाई सपोर्टेड कैमरा है। ये ऐसा पहला कैमरा है जो वाईफाई सपोर्टिंग के अंदर कलर विजन कैमरा है। आज तक जो भी हमने देखे घूमने वाले कैमरे, ये सब नाइट में ब्लैक एंड व्हाइट रहते हैं। जो ये एक ऐसा कैमरा है जो नाइट में भी कलर विजन चलेगा। तो मैं आपको बता दूं इसमें हमें क्या क्या मिलता है। ये इस तरह का कैमरा मिलेगा जो अलेक्सा अनेबल है। इसके फीचर क्या क्या है और इसकी एमआरपी कितनी है। इसके अंदर फीचर दे रखा है ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग होगी, फुल डुप्लेक्स ऑडियो इंटरकॉम है, दोनों तरफ से हम बात कर सकते हैं, मोबाइल से भी बोल सकते हैं और मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग भी वहां की सुन सकते हैं। नाइट विजन इसके अंदर है, इंटेलिजेंट डिटेक्शन है, नाइट विजन इसके अंदर कलर नाइट विजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मोबाइल ऐप इसकी है ये, स्टोरेज 256 GB तक का स्टोरेज, इसके अंदर हम मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। कि जैसा कि गाइज हम देख सकते हैं एमआरपी इसके अंदर हमें दी हुई है 6200 रुपीज। ओके, आइए हम इसे करते हैं ओपन और हम देखते हैं हमें इसमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले बॉक्स हमने खोला, सबसे पहले हमें मिलती है एक मैनुअल, फिर हमें मिलता है एक बॉक्स जिसके अंदर इसका एडेप्टर और इसके स्क्रूज मिलते हैं हमें, और एक हमें इसका ट्रू व्यू का क्वालिटी चेक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि 23 अगस्त 2023 का है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें मिलता है मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज कैमरा। कैमरा जैसा कि हम देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, डोम कैमरा है, ऊपर कैमरा बना हुआ है, नीचे 2 लाइट्स लगी हुई है जो नाइट में ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। इसके कनेक्शन में इसके साथ ये 3 वायर मिल रहे हैं, जिसमें एक इसके पावर सप्लाई का है जो कि इस एडेप्टर के थ्रू लगता है। और एडेप्टर में आपको बता दूं गाइस, एडेप्टर का एम्पियर है 12 वोल्ट 1 एम्पियर, डीसी पिन लगती है जिसके अंदर इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है 12 वोल्ट 1 एम्पियर। और इसके अंदर एक ये दे रखा है डायरेक्ट लैन केबल लगाने का, जिसके थ्रू हम डायरेक्ट इसे इंटरनेट भी दे सकते हैं अगर वाईफाई के थ्रू नहीं दे रहे हैं तो। और थर्ड इसमें एक ये रीसेट का बटन दे रखा है, कभी अगर हम पासवर्ड भूल जाए तो इस बटन की हेल्प से हम इसे रीसेट कर सकते हैं, और जब ये यूज नहीं आ रहा है तो इसे ऐसे शट डाउन करके बंद करके रख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे इसमें देखेंगे कि इसे हम मोबाइल से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसके अंदर मेमोरी कार्ड डालने का ऑप्शन ये इस जगह पे दे रखा है, जिसे हम ऐसे बैक साइड में ओपन करके इसे हटा के यहाँ पे और इसके अंदर मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, जिसके अंदर स्पीकर भी लगा हुआ है और मेमोरी कार्ड डालने का भी ऑप्शन है। मेमोरी कार्ड मैक्सिमम 256 GB का सपोर्ट करता है, जिसके अंदर 2 महीने से 2.5 महीने की रिकॉर्डिंग इसके अंदर आ जाएगी। गाइस जैसे कि हमने पावर से कनेक्ट किया, जैसे ही पावर से कनेक्ट करेंगे ये यहाँ पे लाइट इसकी ब्लिंक हो जाएगी। ये लाइट जैसे ब्लिंक हो रही है मतलब कैमरा ऑन हो चुका है, और कैमरे के अंदर से आवाज आएगी कि कैमरा इज गेटिंग स्टार्टेड, तो इसका मतलब हमारा कैमरा ऑन हो चुका है। अब हमें हमारा मोबाइल लेना है और मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है गाइस, जिस एप्लीकेशन का नाम मैं आपको बता देता हूँ प्ले स्टोर के अंदर कि हमें कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। इसका नाम है ट्रू क्लाउड, ट्रू क्लाउड नाम से जो एप्लीकेशन है वो हमें डाउनलोड करनी है। वो मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं इसे करूँगा ओपन और आप लोग डाउनलोड करके इसे ओपन करें। अब हम कैमरा कैसे कनेक्ट करेंगे, हमें जाना है सबसे पहले लोकल एक्सपीरियंस में। हम गए लोकल एक्सपीरियंस में, मेरे यहाँ पे पहले से ऑलरेडी बहुत सारे कैमरे अंदर है पर अभी हमें ये कैमरा कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें वाईफाई को ऑन करना है हमारे मोबाइल के। वाईफाई को जैसे ही ऑन करेंगे तो इस कैमरे का नाम हमारे यहाँ पे हमें शो होगा, जो इस कैमरे का नाम है वाईफाई के अंदर। जैसे अभी इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे डी लिंक एयरटेल एक्सट्रीम, इसका जो नाम आएगा वो आईपीसी करके आएगा। जैसे अभी नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है तो इसे क्या करना है, ये जो रीसेट वाली बटन है इसको 2 बार प्रेस करना है, 1 2, तो ये 2 बार हमने प्रेस किया और इसका नाम आ गया आईपीसीएस। बहुत बार क्या होता है ये रीसेट मोड पे होता है, तो 2 बार जैसे इसे प्रेस करेंगे तो ये रीसेट मोड एक्टिवेट हो जाता है। अब इसके अंदर इसका पासवर्ड डालने का आएगा, तो पासवर्ड इसका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 8x1 हमें प्रेस करना है। ये कंपनी का बाय डिफॉल्ट पासवर्ड है जो हमने डाल दिया 8x1। अब ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये कनेक्ट हो चुका है, नो इंटरनेट करके आ रहा है, इसी वाईफाई से कनेक्टेड है। ठीक है, अब हमें जाना है एप्लीकेशन के अंदर। अब एप्लीकेशन में ये मैंने किया इसे ओपन,
ये हो गया ओपन। अब यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट बेस नेटवर्क ऑटोमेटिकली, नो थैंक्स करना है हमें। अब हमें जाना है लोकल एक्सपीरियंस पे, ये मैं तो आपको लॉगिन और ये सब करना पड़ेगा, और लॉगिन नहीं करना है तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ ऑप्शन। सीधा प्लस पे गए हम, प्लस पे जाने के बाद नीचे ही नीचे आ रहा है अदर वेज टू 8787, वो हमें यहाँ पे इंटर करना है। 5787002193 ये नंबर हमें इंटर करना है। डिवाइस नेम में आपको जो भी नेम डालना है डाल दो, एडमिन पासवर्ड जो भी आपको सेट करना है। मतलब ये कि अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हम ये शेयर भी कर सकते हैं। जैसे अगर इसका वाईफाई यहाँ से हट चुका है तो हमें IPCS से ही कनेक्ट रखना है। जैसे मेरे पास अभी दूसरा वाईफाई भी ऑटोमेटिकली उस पर जा रहा है तो वो डिलीट कर दो आप, इसमें IPCS में ही कनेक्ट करके रखना है तो ही हम इसकी लाइव रिकॉर्डिंग देख पाएंगे। ठीक है, ये मैंने लोकल एक्सपीरियंस, और ये जो अभी नंबर डाले थे हमने 5787002193 ये बन के आ चुका है, और डायरेक्ट हम इसे करेंगे ओपन। ये सीधा आपको लाइव रिकॉर्डिंग दिख रही है, ये लाइव चल रहा है अभी, कनेक्ट करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आप इसके अंदर डायरेक्ट ऑप्शन है जिसके अंदर जाके हम हमारा वाईफाई सेलेक्ट करके और सीधा इसको हम इंटरनेट सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि गाइज हमने अभी इसकी क्लैरिटी देख ली, और मैंने जैसा कि इसमें बताया था कि इसको ऑनलाइन कैसे चलाना है वो वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के बताऊंगा कि इसे हम डायरेक्ट इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करेंगे और लाइव हम किसी भी जगह से कैसे देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जैसे किसी जगह पे नेट नहीं लगा हुआ है और डायरेक्ट कनेक्ट करना है मोबाइल से, तो मैंने आपको वो चीज़ इसके अंदर बताई। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।